17 लोग जो मेरे साथ आए हैं कैंसर से मर गए जी। 17 लोग जो आपके साथ आए थे वो मर चुके हैं। सारे रिपोर्ट सामान्य आए हैं। आपके रक्त कण की संख्या बढ़ गया करके उन्होंने बताया। कैंसर से ठीक हुआ जी। यीशु ने मुझे कैंसर से छुटकारा दिया। कैंसर है ही नहीं करके बताए। मुझे कैंसर है करके बताया। डॉक्टर ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। पेट में गांठ नहीं है करके बताया ना। हालेलुया। मुझे गुर्दे का समस्या था पास्टर जी। प्रार्थना तेल का उपयोग करने के बाद उससे मुझे छुटकारा मिला। मेरे दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार किया लेकिन यीशु ने मुझे नए गुर्दे दिए। मेरे लिवर का समस्या सामान्य आया जी। लिवर की समस्या थी, संपूर्ण रीति से चंगाई हुआ। लिवर पूरी तरह से ठीक होकर सही आकार में है। हृदय में पानी कम हो गया। हृदय बढ़ने का समस्या भी कम होकर सामान्य रिपोर्ट आया जी। आपके हृदय के तीनों ब्लॉक्स कब गए? पिछले बार मैं अस्पताल को गया था पास्टर जी। उन्होंने सारे जांच करवाए और एंजियोग्रामी करवाए। कुछ भी नहीं है, सब ठीक है करके बताया है। जहाँ पे पछले नहीं था अभी आके उस स्थान में पहुँच गए करके डॉक्टरों ने बताए। मेरा बेटे को चलना फिरना सिखाया। पहले ये बातें नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से बातें कर पा रहा है। क्या बात है, हालेलुया। डॉक्टरों ने कहा गर्भाशय में पिंड ही नहीं है, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा खाली गर्भाशय में यीशु ने एक पिंड को निर्माण किया। मेरी शादी होके 29 साल के बाद बेटा हुआ। 27 साल के बाद लड़का है लड़की? बेटा। वाओ, 27 इयर्स। हालेलुया। कांतम्मा जी, पिछले 15 साल से आपके पैर के नीचे छाले है। कहाँ पे कांतम्मा जी? 15 साल से है क्या ये? हाँ पास्टर जी, 15 साल से है। कितने छाले है? 4 था पास्टर जी। हाँ, इस पैर को 4 और इस पैर को 1 रहते थे। हाँ? बिल्कुल चल नहीं पाती थी। दर्द देता था क्या? बहुत दर्द आता था। तो फिर वो कैसा चला गया? प्रार्थना तेल को लगाया आपने? प्रार्थना तेल लगाया जी। तो फिर आपको किसने बताया कि यहाँ पे आए तो प्रार्थना तेल लगाने से जाएगा करके? दरअसल पास्टर जी, हम कलकत्ता में रहते थे, कुछ समस्या के वजह से हमको कलकत्ता से यहाँ आना पड़ा। मेरा बेटा इस कलेसे में आता था, वो प्रार्थना तेल लेके आए। यहाँ पे 6 महीने से आ रही हूँ, अब सब कुछ गया जी। यानी आपका बेटा यहाँ पे आता था क्या? हाँ पास्टर जी, मेरा बेटा आता उनके था। साथ साथ आप भी आए। अभी तेल लगाने के बाद सारे छाले चले गए? गया जी। हाँ, हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। मंगतायरु जी, ये कलीसिया में 2 साल से आ रही है, ईस्ट गोदावरी जिले से आई है। प्रार्थना तेल और प्रभु भोज के द्वारा 25 साल की सूर्यासी समस्या से चंगाई मिली है। स्टेज के ऊपर मैं राजौल तालुका से आई जी। यहाँ पे मेरे मामी और मामा रहते हैं जी। मैं 3 साल से नियमित रूप से आ रही हूँ जी, लेकिन ये सूर्यासिस कम नहीं हुआ जी। शरीर से पीप जैसा निकलते रहता था जी। फिर मेरे मामा लोगों ने कहा मुझे यहाँ आने के लिए, तो मैं आ रही हूँ जी। आप हर गुरुवार प्रार्थना सभा रखते थे ना जी, मैं वहाँ पे भी आती थी जी। ठीक है जी, आते थे। ठीक है, मैं नियमित रूप से प्रभु भोज लेके प्रार्थना तेल लगाने के बाद वो सूर्यासिस समस्या पूरी तरह से गया जी, अब कम हो गया। प्रार्थना तेल लगाकर और प्रभु भोज जी कम हो गया, पूरी तरह से कम हो गया। 25 साल से है कि आपको सूर्यासिस? हाँ पास्टर जी। I now bring greetings to all the viewers in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. मैं हर एक दर्शकों का यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में अभिवादन करता हूं। In the previous episode we have been talking about how Jesus suffered for us on the cross in chapter Isaiah. पिछले कड़ी में हमने देखा कि किस प्रकार मसीह उस दुख को सहा उस यशायाह नबी की उस पुस्तक में। We have seen how Isaiah the prophet described Jesus would suffer on the cross hundreds or thousands of years before he died on the cross. और हम वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार यशायाह नबी कहता है कि यीशु मसीह उन दुखों को सहेगा कई सैकड़ों साल पहले। This is important for the whole mankind. ये सभी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्व है। And we also have seen how people misunderstood the cross of Jesus. और हम ये भी देखें कि किस प्रकार मनुष्य गलत रीति से देखा यीशु मसीह के क्रूस को। The scriptures say that he was beaten and he died on the cross because of our sin. But people thought that Father God has beaten him and made him to go through these sufferings. हम देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, कटा गया, और इस प्रकार के लोग समझते हैं कि परमेश्वर ने उस यीशु को दंड दिया।
people have been misunderstanding cross by not knowing the meaning in the scriptures. लोग गलत रीति से समझ रहे थे उस क्रूस को, उस परमेश्वर के वचन को न जानते हुए. And the devil has been making us worthy of our sins and sicknesses instead of getting free from condemnation and guilt and be healed and be delivered from all our pains and problems. शैतान हमें उस प्रकार दबाते रहा कि उसी दोष और दंड में हम जाते रहेंगे, ना कि उससे छुटकारा. Cross is not a bad news to a believer. Cross is a good news to a believer. क्रूस एक विश्वासी के लिए दुख का बात नहीं है, मगर क्रूस एक विश्वासी के लिए आशीष की बात है. We have also seen that Isaiah says, "Who believed it? Because it is too good to believe. That how can a God take our sins and our sins and our sicknesses and our pains, and He can give us blessings instead of that?" Which is unbelievable. We have also seen that how God is too good to believe. और हमने ये भी देखा कि कितना अच्छा है उस पर जो विश्वास करना. वहाँ पर वो कहता है कि किस प्रकार वो परमेश्वर ने हमारे पापों, हमारे क्लेशों को, हमारे परेशानियों को लेते हुए उस दंड को सहता रहा. Isaiah chapter 53 from verse 5. यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय 5वें पद से. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. This is quite contrary to what people believed in the Old Testament. यह बहुत ही विपरीत है जिस प्रकार लोग पुराने नियम में उसको विश्वास किया. Because if you do good, you will get good. If you do bad, you will get bad. That was the system of the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम में जो अच्छा करता है उसे अच्छा मिलता है और जो बुरा करता है उसे बुरा मिलता है. But here the gospel is too good to believe that Jesus, he says, he was wounded for our transgressions. That means if you made mistakes and He took the result of the mistakes, the consequence of the mistakes on His body. यहाँ पर उस सुसमाचार कितना अच्छा है या भला है, वहाँ पर कहता है कि उसने हमारे अपराधों के लिए घायल किया. उसका मतलब हम जो गलती किए हैं उसको उसने लिया और उसको सहा उसने. A transgression meaning that whatever you could not do right, whatever you thought you would do it, but you would not do it, that's a transgression. और अपराध का अर्थ वो है जिसको आप जानते थे कि मैं उसे ऐसा करना है या इस रीति से करना है, मगर वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, उसका अर्थ है अपराध. We are supposed to be wounded, but Jesus took that wounds on the cross instead of us. हमें घायल होना था, मगर यीशु ने घायल होकर उस क्रूस पर सहा. And he says that he was bruised for our iniquities. आगे बढ़कर वो कहता है हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया. Iniquity is like a fallen nature of man. अधर्म का अर्थ उस प्रकार की एक स्वभाव जो मनुष्य के ऊपर या मनुष्य के अंदर जो गिरा हुआ. The weakness of the flesh is a kind of iniquity. या फिर शरीर के जो कमजोरियां, उसको हम कह सकते हैं अधर्म. Normally a bruise is that which is wounded inside the body rather than outside the body. वो उस प्रकार बताया गया है कि एक शरीर के अंदर में घायल किया गया, ना कि बाहर. Iniquity which is inside our nature, inside our spirit, which is fallen, where we could not meet the standards of God because of our iniquity, our fallen nature of mankind. और अधर्म वो है मनुष्य का वो गिरा हुआ स्वभाव जो हमारे अंदर में है या हमारे आत्मा में, जिसको हम नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार की आज्ञा परमेश्वर ने दी है. That's why Jesus was wounded inside. That means outside he could be okay, but he was also bruised inside because of our inside iniquity. इसीलिए यीशु मसीह न केवल बाहर या फिर अंदर में भी उस प्रकार दंड को सहा या कुचला गया जिस प्रकार हमें सहना था. That means Jesus can heal you from inside and from outside as well. उसका मतलब यीशु हमें अंदर और बाहर दोनों से चंगा कर सकता है. And he also says that the chastisement of our
पीस वॉज अपॉन हिम। और वो आगे बढ़कर कहता है हमारी ही शांति के लिए उसने उस ताड़ना को सहा। यू मेड सम रॉन्ग डिसीशंस एंड यू आर चैस्टाइज्ड नाउ एंड यू डोंट हैव पीस, बट दैट चैस्टाइजमेंट फेल ऑन जीसस इंस्टेड ऑफ अस सो दैट वी कैन हैव पीस। आपने कुछ गलत निर्णय लिए और आपके अंदर अशांति आई, मगर उस अशांति को यीशु मसीह ने लिया और वो हमें उस शांति को दिया। दिस इज टू गुड टू बिलीव दैट ए गॉड हु यूज्ड टू जज इविल विद पनिशमेंट इन द ओल्ड टेस्टमेंट इज नाउ टेकिंग द इविल फॉर हिमसेल्फ एंड गिविंग अस गुड। दैट्स व्हाई आइज़ाया सेज़ हु बिलीव दिस रिपोर्ट। ये कितना भला है कि हम उसको विश्वास करें जो परमेश्वर पुराने नियम में बुरे कामों के लिए दंड किया करता था, मगर नए नियम में उन्हीं दंडों को अपने ऊपर लेते हुए वो सहता है। इसीलिए यीशु ने भी कहता है कौन इसे विश्वास करता है। बट द डेविल हैज बीन लाइंग अबाउट गॉड दैट व्हाट ही डिड इन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड इज आल्सो डूइंग नाउ। मगर शैतान इस प्रकार हमें उस धोखे में रखा है कि जिस प्रकार जो परमेश्वर ने पुराने नियम में किया वो इस प्रकार नए नियम में भी कर रहा है। गॉड्स फुलनेस इज जीसस। परमेश्वर की पूर्णता यीशु है। नो वन हैज सीन गॉड और अंडरस्टूड गॉड एंड नो वन न्यू द नेचर ऑफ गॉड एक्सेप्ट हिज सन जीसस क्राइस्ट केम डाउन टू दिस अर्थ एंड रिवील्ड द फुलनेस ऑफ हिज फादर थ्रू हिज नेचर। कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा है, कोई उसे समझा नहीं है, केवल यीशु मसीह जो जगत से नीचे आकर इस जगत में रहकर और अपनी पूर्णता उस स्वभाव के द्वारा उस यीशु मसीह ने ही परमेश्वर को दिखाया है। God has filled Jesus with full of grace. That's the nature of God, which was revealed by Jesus, who is full of grace. I mean, too good to believe. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. And he was chastisement of peace fell on him. And he says that, that he took the stripes so that we could be healed. यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस अनुग्रह से भरा और वही अनुग्रह से पूर्ण है, इसीलिए उसने हमारे कष्टों को, हमारे ताड़नाओं को, हमारे कुचलेपन को, यहां तक परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Let's read verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all. छठवें पद में कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक को अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Maybe you have fallen. You are a believer, but after knowing Jesus Christ, you went astray. Jesus has covered that also. He has laid that sin on Jesus as well. हो सकता है परमेश्वर को जाने या फिर उससे दूर हो गए होंगे या फिर आप गिर गए होंगे, मगर परमेश्वर उसको भी जानता है और उसे अपने पास लिया और उन बातों को भी यीशु पर लाद दिया है। Many of we believe that before I was born again, you know, whatever I committed, the mistakes God has forgiven. But after I was born again, I have turned aside many times and I have gone astray, being a sheep and just being the shepherd. And that sins were not forgiven. So now I am suffering for those sins. I'm telling you now, even those sins, God has laid on Jesus so that you and I could be free. हम कई बार इस प्रकार विचार करते हैं पुनर्जन्म से पहले के पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया, मगर उसके बाद जो हम गलतियां की, एक भेड़ चरवाहे से दूर होते हुए भटकते अवस्था में पड़े, उनके कारण हमारे इस पाप या इस प्रकार के रोग आए, उन अपराधों को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया है। मैं इस कहता हूं कि उनके लिए भी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। That means he even covered your sins before you got saved and after you got saved. उसका मतलब ये कि आपके उद्धार के पहले और उद्धार के बाद के पापों को वो ढक लिया है। Does it mean that you also commit the same sins that you have done before after accepting Jesus Christ as your savior? उसका मतलब ये नहीं कि जिस प्रकार आपने उद्धार के पहले गलती की उन्हीं गलतियों को उसके बाद भी करते रहे। Once you accept Jesus Christ, your inside nature has been transferred into the nature of Jesus Christ. जब आप उद्धार पाए हैं तब वो आपके अंदर के जीवन को बदल दिया है
और इस प्रकार आप एक नएपन में हैं। एंड यू वुड लव टू वॉक इन द स्पिरिट एंड लिव ए होली एंड राइटियस लाइफ वंस यू आर सेव्ड। जब आपका उद्धार हो गया है, आप उस प्रेम और उस पवित्रता में चलेंगे जो आपके अंदर में दिया गया है। बट इफ यू आर इग्नोरेंट इन योर प्रेयर लाइफ, इन रीडिंग द वर्ड, एंड इफ यू आर नॉट वॉकिंग इन द स्पिरिट, समटाइम्स यू माइट फेल डाउन, बट यू विल राइज अगेन बिकॉज ऑफ यूर गुड नेचर इनसाइड एंड स्टार्ट वॉकिंग। And those things where you have fallen in ignorance, God will forgive. And He will give you a new beginning one more time. हो सकता है आपके अनजान में उस प्रकार आप गिर चुके होंगे, मगर वहां से भी वो आपको उठाता है और उस नए स्वभाव को आपके अंदर में देता है, क्योंकि आपके अंदर में वो नई आत्मा आई है, उसको भी परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा भुला देता है। God has forgiven all our sins. Once you accept Jesus Christ, past, present, and future. उसका मतलब परमेश्वर ने हमारे हरेक अपराधों को क्षमा किया है। यीशु मसीह को जब आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जो अतीत में, वर्तमान में और जो भविष्य का पाप। How confident is God that he can forgive our future sins? Does mankind who is fallen does not exploit that he has forgiven their future sins? कितना हिवाव हो सकता है कि आपके भविष्य के अपराधों को या गलतियों को वो क्षमा कर दिया है, जिस प्रकार की अवस्था में आप उस प्रकार हैं। That is, he has confidence not on the flesh but on the spirit which you will walk. That's the reason why he has forgiven your future sins. उसका हियाव, जो साहस है, वो शरीर में नहीं मगर आत्मा में, इसलिए आपके भविष्य के अपराधों को वो क्षमा किया है। That's why the Bible says it's impossible to fall down once you accept Jesus Christ and you have tasted the powers of the spirit. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यह असंभव है कि अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जान लिया है या चख लिया है, उस अवस्था से वो कभी बाहर नहीं हो सकता। We don't exploit and take advantage of the grace that God has given in forgiving our present and future sins as well. ये वो बात नहीं कि हम अवसर को समझकर अनुग्रह को गलत रीति से इस्तेमाल करें ताकि वर्तमान और भविष्य में उनके उस गलती में पड़े रहें। Those who are really saved don't intentionally commit mistakes. अगर आप सच में उद्धार पाए हैं तो जानकर कोई गलती ना करें। They only do it out of ignorance. वो अनजान में इस प्रकार गलती को करते हैं। You may ask me, how is it possible? आप मुझसे पूछ सकते हैं ये कैसा हो सकता है? Because before you are saved, if you do any mistake, you never used to feel guilty about it. But after you are saved, if you commit any mistake, you will feel guilty about it. उद्धार से पहले एक गलती के ऊपर आप दोषी नहीं ठहरते थे या उस प्रकार नहीं मानते थे, मगर उद्धार पाने के बाद आपके अंदर में वो दोषीपन का बात आ चुकी है। Why do you feel guilty after you make a mistake after you are saved? Because of the Holy Ghost in you, which convicts you and which inspires you to walk in righteousness rather than unrighteousness. क्यों उद्धार पाने के बाद इस प्रकार एक गलती करने से आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं? क्योंकि आपके अंदर में वो पवित्र आत्मा है जो आपको बताती है और आपकी अगुवाई करती है। And he will tell you, you're fallen because you're not diligent in your prayer life, you're not diligent in reading the word, you're not diligent in walking in the spirit, and it will warn you so that you could rise up and do better and even run to your destination rather than ignorantly sitting and falling away. वो पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि किस प्रकार आप उस गलती में गिर चुके हैं, ना प्रार्थना करते हुए या ना फिर परमेश्वर को वचन को पढ़ते हुए, मगर इस प्रकार कि वो आपको आगे बढ़ाए और उस स्थान पर वो आपको पहुंचाएगा। And let's read verse 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is bought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. सातवां पद कहता, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। According to this scripture, Jesus has every right to say, why are you troubling me? Why are you beating me with stripes on the cross? I am a just man.
He can just be acquitted from the cross and he can come out. But he took it so that you can, I can receive healing and blessings through the cross, and we can claim blessings in Jesus' name, and we can open our mouth boldly and minister ourselves and bless ourselves and bless others in Jesus' name. ये वचन हमें बताती है कि वो पूर्ण तौर पर पूछ सकता था या उस क्रूस से बाहर उतर सकता था कि क्योंकि एक धर्मी होने के नाते इस प्रकार के कोई गलती को नहीं किया, मगर उन गलती को वो सहता गया, उन दंडों को, ताकि हम स्वतंत्र किए जाएं उस यीशु मसीह के नाम में. He didn't open his mouth because you and I, even though we make mistakes because of Jesus, you can ask for forgiveness, you can ask for healing, you can ask for deliverance and peace and joy, which is quite contrary. But it is too good to believe, and it is a truth indeed. उसने अपने मुंह को ना खोला, मगर उस दंड को, उस क्लेशों को, उन परेशानियों को सहता रहा कि किस प्रकार हम उससे बाहर आए और उस प्रकार निकाले गए. ये सचमुच एक सच्चा बात है कि वो उसने उसको सहा. So you and I, don't feel guilty and condemned because of sins and mistakes and keep dumb. You can open your mouth and speak healing to your body and sins in spite of your sin nature and your past sins. इसलिए आप अपने आप को दोषी या दंडित ना समझे, मगर उससे निकलकर उस हक को मांगे और उन रोगों से, उन क्लेशों से अपने आप को हुक्म देते हुए निकल आए. So you can, I can open our mouth in Jesus' name and receive healing and blessings. आप यीशु के नाम में अपने मुंह को खोलकर उन आशीषों को, उन बातों को प्राप्त कर सकते हैं. Guilt and condemnation fills us with shame and shuts our mouth, but Jesus justified us so that we can open our mouth and receive the blessings from the cross. दंड और दोषीपन हमारे मुंह को बंद कर देता है, मगर यीशु के उस क्रूस के सहने के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं अपने मुंह को खोलकर. I would like to pray for all the viewers. Wherever you are sick, put your right hand and let's open our mouths and claim healing on our bodies. मैं हर एक दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, कोई भी रोग की अवस्था क्यों ना हो, हम हुक्म दें अपने ही शरीर को. Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में, you have laid all our sins on the cross. तूने हमारे हर एक पापों को उस क्रूस पर डाल दिया. Now we are opening our mouth, and I declare freedom to all the viewers in Jesus' mighty name. हम घोषणा करते हैं मुंह खोलकर कि हर एक व्यक्ति यीशु के नाम में स्वतंत्र हो जा. But you have forgiven all their sins. तूने हर एक के अपराधों को क्षमा कर दिया है. Now heal them. अभी चंगा कर. Heal them from every incurable disease. ना चंगा होने वाले हर एक रोगों से उनको चंगा कर. It's incurable for the medicine or doctor to cure, but you can heal it, Lord Jesus. So heal everyone. डॉक्टरों और दवाइयों को चंगा नहीं कर सकते, मगर तू हर एक व्यक्तियों को चंगा कर प्रभु. Those who are struggling financially, bless them. आर्थिक तौर पर जो मुश्किलों में हैं, उनको तू आशों से भर दे. Those who don't have jobs, Lord, bless them so that they will have a job. जिनको नौकरी नहीं है, उनको तू नौकरी दे परमेश्वर आशीषों के द्वारा. Those who are not married, Lord, let them get married. जो विवाहित नहीं हुए हैं, वो विवाहित होने पाएं. Those who are barren, Lord, open their wombs and bless them with children. जिनको संतान नहीं है, उनके कोख को तू खोल दे और उनको संतान दे दे. In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में. Amen. आमीन. अंडालू जी, आपको 5 साल से हिर्निया है क्या? हिर्निया के लिए ऑपरेशन करते हैं ना अंडालू जी? मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया जी, क्योंकि मैंने एक विश्वासी हूँ. परसों जांच किया था, 2500 रुपए खर्च करके मैंने जांच करवाया जी. मेरे सारे रिपोर्ट सामान्य आए जी. मैंने यीशु पे विश्वास रखा जी, उन्होंने मुझे चंगा किया. हालेलुया. साथ ही साथ मेरे हृदय का समस्या भी यीशु ने निकाल दिया जी, और हिर्निया से भी छुटकारा मिला जी. उपेंद्रा जी, 15 साल से भाई की समस्या थी और उससे छुटकारा मिला. 15 साल के गले के दर्द से छुटकारा, 6 महीने का गुर्दे के पत्थर से भी छुटकारा, घुटनों के दर्द से भी छुटकारा. क्या बात है, 6 महीने से आप आ रहे हैं क्या? इस कलीसिया के बारे में आपको किसने बताया? टीवी
में देखा था पास्टर जी। टीवी में देखा, जो देखा आपने विश्वास किया? हाँ विश्वास किया जी। तो फिर बताइए 15 साल से आपको क्या डर था? जब मैं 15 साल की उम्र का थी तब से मुझे डर है जी। क्या डर था? कोई भी वजह से डर लगता था जी, डर आने का कोई कारण भी नहीं रहता था। ठीक है। अगर मेरा फोन बज रहा है उससे भी मुझे डर लगता ठीक था। ठीक है। मेरे पति गुजर चुके हैं जी, मेरी एक बेटी है, मैं उसके साथ अकेले रहती थी और उसकी अभी शादी भी हो गई, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके हमेशा अंदर से ताला लगा के सोती थी पास्टर जी। छोटी सी आवाज सुने तो भी मुझे बहुत डर लगता था। अभी आपका पूरा डर गया? हाँ जी गया। उसके अलावा 15 साल से गले का दर्द है क्या? 15 साल पहले मेरे गले में एक छोटा सा हड्डी चुभ गया था गया? जी। इतना बड़ा हड्डी था जी, खाते वक्त चिप गया जी। मैं बहुत सारे अस्पताल घूम चुकी हूँ पर वो दर्द से मुझे छुटकारा नहीं मिला जी। तो फिर मैं प्रार्थना तेल लगा के प्रार्थना किया तो वो समस्या भी गया जी। गुर्दे से पत्थर भी गया? गया जी। घुटने का दर्द भी गया? पूरा गया जी। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद प्रभु जी। रविवार हमारी आराधना और चंगाई प्रार्थना, हमारी पहली तेलुगु आराधना क्रिस्टल गार्डन्स मेहदीपट्टनम में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। हमारा पता है क्रिस्टल गार्डन्स PVNR फ्लाईओवर पिल्लर नंबर 86 मेहदीपट्टनम हैदराबाद। हमारी दूसरी तेलुगु आराधना VBR गार्डन्स अलवाल में शाम 5 बजे से 7 बजे तक। हमारा पता है VBR गार्डन्स इंदिरा गांधी मूर्ति के पास ओल्ड अलवाल सिकंदराबाद। आपकी प्रार्थना विनती के लिए हमें संपर्क करें, हमारे नंबर 0907-01-99-06 अधिक जानकारी के लिए 0404-7-4-8-4-8। हमारा वेबसाइट www.jcnm.org।